नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आज हरियाली तीज पूरे प्रदेश में बड़े महोत्सव के रूप में और बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सिरसा जिला में भी हरियाली तीज की धूम रही। तीज के अवसर पर सिरसा जिला के जन नायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ में भी आज हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया गया। तीज महोत्सव की मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर ने झूला झूल कर इसकी शुरुआत की और कार्यक्रम में JCD के विभिन्न शिक्षण संस्थानों की छात्राओं व अध्यापकगणों ने भाग लिया। हरियाणा के इस पारंपरिक पर्व को नाच गाकर झूला झूल कर मनाया गया है। महिलाओं ने कहा कि यह त्यौहार आपसी भाईचारे और आपसी तालमेल का त्यौहार है। यह सबसे सस्ता पर्व है क्योंकि इसमें आपसी मिलजुल करके इसे मनाया जा सकता है। इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं लगता। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि सावन महीने में आने वाला यह त्यौहार महिलाओं के लिए विशेष त्यौहार है। उन्होंने कहा कि सभी पारंपरिक त्यौहारों के साथ ही इस तरह से इसे भी मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी पारंपरिक त्यौहार मनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, मगर ये त्यौहार मिलजुल कर मनाने वाला त्यौहार है। तीज के त्यौहार को लेकर के महिलाओं में बड़ी खुशी का माहौल देखा गया। JCD शिक्षण संस्थान की मैनेजिंग डायरेक्टर समीम शर्मा ने कहा कि शिक्षण संस्थान की छात्राओं को इस प्रकार के त्यौहारों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेना चाहिए ताकि वह अपनी परंपराओं को भूल न सके और जिंदा रख सकें। उन्होंने बताया कि महिलाओं को एक साथ झूला झूलना प्रेम प्यार और आपसी सद्भावना का प्रतीक है। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। ये लेडीज़ का त्यौहार है और इसमें ये होता है कि इस महीने में सावन के महीने में सब अपने मायके में आ जाती हैं लेडीज़ और अपना खेलती हैं, झूले झूलती हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और आज सारे बच्चे बहुत सुंदर तैयार होके आए हैं कि चाहे जो भी त्यौहार हो मनाया जाए, सबको सब त्यौहार मनाने चाहिए। और ये तो है, इसमें तो ये है कि आजकल जो एक्सपेंसिव त्यौहार हो गए हैं बहुत ज़्यादा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इट इज़ जैसे होली है, होली में है कि रंग डालो और मतलब दिस इज़ वन के इसमें फैंस आपस में सहेलियां मिलते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। तो जो भी छोटा त्यौहार है, बड़ा है या जो लुप्त हो रहे हैं, पता तो सबको है कि किस दिन कौन सा त्यौहार है, तो एक ओकेजन की तरह उसको मना लेना चाहिए। तीज मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा और बहुत ही बढ़िया त्यौहार है। कोई औपचारिकता नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई भी घर में रस्सी पड़ी हो डालो, पेड़ पे झूलो और मौज मस्ती। और इसकी शुरुआत भी इसीलिए हुई होगी क्योंकि सावन में हवाएं चलती हैं, घटाएं आती हैं, तो खुद ब खुद मन करता है कि कुछ अपने आप को मनोरंजन किया जाए। तो ये पहले आसपास प्रकृति होती थी, कोई कृत्रिम झूले आर्टिफिशियल कोई ऐसे डिजनीलैंड वर्ल्ड तो था नहीं, तो ये झूले जो थे एक हमारे बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का जरिया है और ये हमें एक दूसरे के पास लाता है। एक आदमी झूलता है, दूसरा झुलाता है, तो ये सब प्रेम के सूचक हैं। और त्योहारों की गरिमा भी यही है कि आपस का प्रेम बढ़े, निकटता बढ़े, लेन देन हो, तो हम मिलजुल करके जीवन को जिए और आनंद से जिए, यही संदेश है। हम लगातार इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो नव पीढ़ी है उसको व्हाट्सएप से और इससे फुर्सत ही नहीं है, फेसबुक से, तो त्योहारों को मनाएगा कौन? हम लोगों की पीढ़ी जब चुक जाएगी तो आगे तो इन बच्चों ने लेकर के जाना है। तो जो भी हमारे त्यौहार हैं, परंपराएं हैं, उनको जीवित रखा जाना चाहिए क्योंकि वही हमारी संस्कृति है और वही हमारी पहचान है। हमारे हिंदू होने का, हमारे भारतीय होने का एक संकेत है। तो हमें अपने त्यौहारों को कलेजे से लगा करके पूरे जश्न के साथ, पूरे जोश के साथ, आनंद उन्माद के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ जरूर मनाना चाहिए।